गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 126 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डीट क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने कविता एक माँ की बेबसी पढ़ी। आइए आज हम इस कविता को ऊँची आवाज़ में बोल कर पढ़ते हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यहाँ लिखा है, ना जाने किस अदृश्य पड़ोसी से निकल कर आता है वो खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह था, वे भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। ठीक है, किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने लिखी है। अब यहाँ लिखते हैं कविता का नाम और अपनी कॉपी पे लिखिए। तो कविता का नाम क्या है, आप इसका नाम अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तभी आपने पढ़ा ना, एक माँ की बेबसी नाम है। इसके सारे आंसर हम एक साथ देखेंगे, अभी पहले आप लोग समझ लें। यह लिखा है, ये कविता किसने लिखी है, उस कवि का नाम भी लिखिए। तो अभी हमने पढ़ लिया, किसने लिखा है, कुंवर नारायण ने लिखा है, तो ये हम आंसर भी अभी लिखेंगे। यह लिखा है, बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहाँ से आता था, तो पड़ोस से आता था, है ना, पड़ोस वाले घर से। रतन देखने में कैसा था, तो आप सिंपल लिखेंगे, बाकी बच्चों से भिन्न था। अभी मैं सारे आंसर आप लोगों को कराऊंगी, आप फिक्र ना करें। इसके बाद यह लिखा है, रतन दूसरे बच्चों से क्यों भिन्न था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब पांचों के आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप इसका लिख सकते हैं कि भाई कविता का नाम है एक माँ की बेबसी, और इसके जो राइटर है, जो कवि है, वो है कुंवर नारायण। फिर बोलते बच्चा कहाँ से आता था, तो बच्चा पड़ोस से आता था। ठीक है, तो बच्चा दिखने में कैसा था, तो बच्चा जो है सब बच्चों से भिन्न था। ठीक है, अब अगला था कि वो सबसे अलग क्यों था, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। ठीक है, तो सारे आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ लिखा है, आओ बच्चों बातचीत करें। तो यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है, चित्र में दिख रहे ये जो जानवर हैं, ये आपस में किस बारे में बात कर रहे होंगे? ज़रूर अनुमान लगाइए और अपनी कॉपी पर लिख कर देखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ आओ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो ये कहती है, नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।